ऑब्जेक्ट का और अर्थ के सेंटर का वो 10,000 किलोमीटर। अब उसने कहा कि इसका एल्टीट्यूड भी बताया, उसने ये नहीं कहा कि ये इतने एल्टीट्यूड पर है, उसने सिर्फ ये कहा है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है यहाँ पर, वो हमारे पास आर है, एच है वो 10,000 किलोमीटर। अब उसको हम क्या करेंगे यहाँ पर, इस पहले फॉर्मूला क्या था आर, तो इसके बाद हम आर और किसके बराबर कंसिडर कर लेंगे, एच के बराबर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये वी एच इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। इसका दूसरा टर्म ये है कि अगर आप इसी मेथड से याद करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता है कि फॉर्मूला क्या था, आर प्लस एच, ठीक है, क्या आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच। ये आपने जब मास ऑफ अर्थ को डिस्कस किया था या ग्रेविटेशनल आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस किया था तो उसमें कहा था कि आर प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर। अब अगर यहाँ पर देखें जब अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आर हो गया तो पूरी स्टेटमेंट किसके बराबर होगी, हाइट के बराबर हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पर आप इसको आर से भी डिनोट कर सकते हैं, तो बेटा इस तरह आगे आप रिप्लेस कर दें यहाँ पर आर से या एच से, ठीक है। जी एच इज इक्वल टू हमने फाइंड किया था बेटा यहाँ पर मास ऑफ अर्थ, तो मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा बेटा जी एच मल्टीप्लाई बाय एच स्क्वायर ओवर जी, ठीक है। तो बेटा ये इस पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसलिए आपने बताने के लिए याद रखने के लिए आपको बताया था, आपने आर को किसके बराबर प्लेस कर देना है यहाँ पर एच के बराबर, ठीक है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं और उसके बाद अगर आप इसमें मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी की वैल्यू दिया क्या दी उन्होंने 4.0 या 4 आप लिखें सिंपल, और हाइट की वैल्यू भी इन्होंने डिस्टेंस की वो 10,000 मल्टीप्लाई 10^3 का और स्क्वायर, बट नीचे है कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 × 3 × 10^-11। बट यहाँ तक समझ आ गई सबको, इसी मेथड यही वाला इसको आप और इजीली ये आप कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसको आप जी सॉल्व कर लें एम मैथ ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 × अब बेटा देखें 10,000 को हम लिख सकते हैं 10^4, ठीक है, और 10^4 को क्या आएगा स्क्वायर, अब 10^3 है इसका क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं ऐड हो रही होती हैं, अगर उसके ऊपर पावर आ जाए तो पावर सबकी होती है, तो यहाँ पर नीचे हो जाएगा 6.673 × 10^-11, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इसके बाद हम इसको नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, तो जब बेटा आप इसे डिवाइड करेंगे ना तो
या आप कह सकते हैं कि 0.5 या आप लिख सकते हैं 0.59 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या बनेगा यहां पर 25। अब अगर देखिए हमने साइनिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो फर्क को एक डी लगा लेंगे मास ऑफ फर्क इज इक्वल टू 5.99 * 10 रेस पावर 24 - 1 सॉरी 25 - 1 के 5.99 जब हम पॉइंट एक आगे शिफ्ट कर दिया लेफ्ट से राइट की तरफ तो पॉइंट जो पावर है उसमें एक नेगेटिव कम हो जाता है एक वैल्यू कम हो जाती है तो 25 माइनस 1 तो ये आ गया मास ऑफ अर्थ या इस तरीके से 5.99 इसके साथ अप्रोक्सीमेटली कर सकते हैं इसके इक्वल 6 के इक्वल और 10 की पावर 24 ठीक है यानी कि 5.99 को आप अप्रोक्सीमेटली 6 भी लिख सकते हैं तो ये आपका आंसर बनेगा तो मास ऑफ अर्थ है एम पी को किसके बराबर है 6 * 10 की पावर 24 ठीक है बेटा आपने इस पॉइंट से आपने फील होना ठीक है जो आपने कहा था कि r + h को आपने कैसे करना है जो ओरिजिनल फार्मूला बेटा वो ये है t = 2 g h = g m e / r स्क्वायर तो आपने फार्मूला एक और पढ़ा हुआ था r + x स्क्वायर का होल स्क्वायर ठीक है तो ये जो टोटल डिस्टेंस है इसके बराबर है उसने कहा कि हाइट के बराबर है और हाइट कितनी थी हमारे पास आईटी हमारे पास 10,000 ठीक है ये एल्टी जो भी इस बस उसने सिर्फ डिस्टेंस दिया हुआ आई का तो इसीलिए आप क्या करेंगे आर को यहाँ पर एच से रिप्लेस कर देंगे और कुछ ही हो गया आपका ठीक है बट इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिकल है ये नोट कर लें बट इसके बाद हम मेडिकल नंबर 5.8 शुरू करते हैं मेडिकल नंबर 5.8 अब इसकी स्टेटमेंट सुनिए बेटा स्टेटमेंट वो कह रहे हैं कि एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम 1/4 देन द सरफेस ऑफ द अर्थ वो कह रहा है कि किस हाइट पर किस एल्टीट्यूड पर जो वैल्यू ऑफ जी है वो 1/4 रह जाएगी स्टेटमेंट समझ आ गई वो कह रहा है कि किस हाइट पर जाकर यानी अर्थ की सरफेस से बाहर जाकर कौन सा एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 1/4 यानी कम हो जाएगी ठीक है तो बेटा यहां पर देखिए इसमें गिवन डिग्री जो है गिवन उसने क्या दिया हमें ठीक है उसने गिवन हमें वैल्यू दी है जी एच की अब बेटा इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है सिंपल सा हम अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं
कौन सा है? वो है जी एच इज इक्वल टू जी एम ई और आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला शुरू से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, अब अपन क्या करें, सिंपल जनरली एमसीक्यू जनरली आप इसे सॉल्व कर रहे हैं तो अब क्या करेंगे, हमने हाइट कैलकुलेट करनी है तो हाइट वाली वैल्यूज को अलग रहेगी, बाकी वैल्यूज को अलग कर लेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई और जी एच। ये बड़ा क्लियर है, क्योंकि इसको हमने थोड़ा रीअरेंज किया और जो आर प्लस एच है होल स्क्वायर इसको हमने इस तरफ लिए हैं फ्रैक्शन में और यानी कि डिनोमिनेटर में लिए हैं और इस वैल्यू जी एच को हमने फ्रैक्शन के नीचे ले गए हैं। तो उस पर हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे कि आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ई और अब जी एच की वैल्यू क्या दी उन्होंने, जी बाय फोर। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको बेटा। अब आपको पता है जब फ्रैक्शन फ्रैक्शन है ऊपर जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई है, ये बन जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर जी एम ई और स्मॉल जी, यानी कि फ्रैक्शन है इसकी फ्रैक्शन पे क्या आ जाएगा, फोर ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ जाएगा तो बन जाएगा फोर जी एम ई और स्मॉल जी। ठीक है बेटा, अब हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है, हाइट कैलकुलेट करनी है। अब हाइट जो है वो किसके अंदर छुपी हुई है, वो आर प्लस एच यानी फॉर्मूले के अंदर छुपी हुई है। तो आप क्या करेंगे, उसको पहले स्केल खत्म करेंगे, जो ऊपर स्केल लगा हुआ है तो इसको खत्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एच जो बेटा जी की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, वो 1/4 रह जाएगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं, व्हेन रेडियस एंड एल्टीट्यूड बिकम्स each other, then value of g reduces to 1/4। तो जब जो वैल्यू g है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी 1/4 टाइम्स तक। ठीक है बेटा, तो ये बेटा आज लेक्चर हमने दोनों वैल्यूज करने थे 5.8 और 5.9। ठीक है, सॉरी 5.7 5.8, बाकी इन वैकल्प चलो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर बेटा एक मेडिकल में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, बाकी इसमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है तो आप इस प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। बाकी चलो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।